Pasta Alfredo. White sauce pasta. फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे पास्ता अल्फ्रेडो, जिसको हम वाइट सॉस पास्ता भी बोलते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगा पास्ता, जो मैंने एक पैकेट लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, स्ट्रेन कर लिया है और ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके साथ मैंने लिए है 1/2 kg बोनलेस चिकन, जिसको मैंने बोन्स अलग करके बिल्कुल क्यूब्स की फॉर्म में काट दिया है। और उसी के साथ ही 2 tablespoons अनसॉल्टेड मैंने बटर लिया है, 1/2 teaspoon मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है या फिर एज़ पर टेस्ट, और आधी मैंने जो है शिमला मिर्च ली है उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, और एक मैंने हरी मिर्च ली है जिसको मैंने काट लिया है। तो चलिए अब हम अपना पास्ता रेडी करते हैं। हम लोग अब चिकन की प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं आपको बताती चलूं कि हम 1 tablespoon ऑयल भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पॉट के अंदर ऑयल डालेंगे 1 tablespoon, और इसको हीट अप कर लेंगे। हीट अप करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने 2 tablespoon बटर लिया था, उसको डालेंगे और इसको भी हम मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने बोनलेस चिकन ली थी, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको हम जो है फ्राई करेंगे। तो चिकन ऐड करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये वाइटिश हो जाती है। अच्छे तरीके से हम इसे कुक करेंगे जब तक ये वाइटिश हो जाए, और वाइटिश होने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट एंड पेपर। जो हमने सॉल्ट लिया था 1/2 teaspoon और जो हमने पेपर लिया था 1/2 teaspoon, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, उसको ऐड करेंगे और उसको स्पाइसेस के साथ अब हम लोग अच्छे से स्टर कर लेंगे, और अब हम इसे जो है कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया, अब हम इसे कवर करके 5 minutes तक कुक करेंगे, और अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसका जो पानी है उसे खुश्क होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने शिमला मिर्च ली थी, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये शिमला मिर्च के साथ कुक हो। इससे बहुत अच्छा एक एसेंस आता है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। आप कोई भी जो वेजिटेबल है ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारी रेडी हो गई है, तो अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। तो अब हम वाइट सॉस की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप दूध, 2 tablespoon अनसॉल्टेड बटर, 1/2 teaspoon गार्लिक यानी कि जो है लहसुन के जवे आप ले सकते हैं, मैंने ड्राइड गार्लिक लिया है ग्रैन्यूल्स में, 1/2 teaspoon ओरिगैनो लेंगे, 2 tablespoon हम जो है मैदा लेंगे, 1/2 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है, और 1/2 teaspoon मैंने लिए है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 teaspoon मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स नहीं डालिएगा। तो सबसे पहले हम एक अलग से छोटा सा पॉट लेंगे या सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने अनसॉल्टेड बटर लिया था 2 tablespoon, और उसको अच्छे तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे। जब बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने 2 tablespoon ही मैदा लिया था, उसको हम ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो सॉस है वो थिक एंड जो है वो बहुत अच्छी सी बनती है, लेकिन मैं बगैर चीज़ के बनाऊंगी, क्योंकि चीज़ से थोड़ा और हैवी हो जाता है, और आप देखेंगे कि ये जो सॉस है ये भी बहुत अच्छी रिच और थिक बनेगी। तो आप सबसे पहले जो है बटर में मैदे को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने यानी गुठलियाँ ना बने, और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने दूध लिया था, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमें ऐड करना है, सारा एक साथ नहीं ऐड करेंगे, पहले थोड़ा सा लेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर थोड़ा सा और डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कोशिश कीजिएगा कोई लम्प्स ना रहे, और जो है चम्मच जो है वो स्टर करते रहना है, और इसी तरीके से हम जो है सारा जो दूध है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम कुक करेंगे। आप देखेंगे कुछ टाइम में, अभी ये कितनी पतली है और कुछ टाइम में ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी,
तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने स्पाइसेस लिए थे। सबसे पहले नमक हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी के साथ ही 1 टी स्पून जो चिली फ्लेक्स है वो डालेंगे, ये ऑप्शनल है। और गार्लिक के ग्रैन्यूल्स डालने से या गार्लिक डालने से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है। उसके साथ ही ऑरिगेनो डालेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको चम्मच चलाते रहना है और इसको हम हल्की हल्की से थोड़ी तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी थिक हो जाएगी। अभी ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, आपको ये पकाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आई थिंक इसको लगेंगे थिक होने में। तो आप इसको स्टर ही करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये कितनी थिक हो गई है हमारी सॉस। तो सॉस जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आप इसकी थिकनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और जो सॉस है वो रेडी है। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब जो हमारी प्रिपेयर्ड चिकन थी उसके अंदर हम मिक्सिंग करेंगे, कंबाइनिंग करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग जो डालेंगे हमारा बॉयल्ड पास्ता था वो डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने का मकसद यह है कि चिकन जो है हर बाइट में आए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने वाइट सॉस बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने थिक हमारी सॉस बनी है और कितना मज़े का हमारा वाइट सॉस पास्ता लग रहा है। और लिटरली ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और उसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आप अगर चीज़ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और ग्रीन चिलीज़ भी हम इसमें डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली या चिली फ्लेक्स मत डालिएगा। तो तैयार है हमारा वाइट सॉस, तो तैयार है हमारा पास्ता अल्फ्रेडो, या फिर आप इसे कहते हैं वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है। और नमक या जो पेपर है आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।